73वां गणतंत्र दिवस नगर परिषद इंद्रगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। पूर्व संध्या पर कार्यालय भवन को रोशनी से सजाया गया और साथ ही बहुत ही सुंदर ये दिख रहा था। जगमगाती रंग बिरंगी विद्युत रोशनी की छटा देखते ही बन रही थी। आपको बता दें कि 73वां गणतंत्र दिवस नगर परिषद कार्यालय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस मौके पर महेंद्र सिंह यादव ने झंडा वंदन किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन किया, नगर को विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। इस मौके पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर और साथ ही इन्होंने किया। इसके साथ ही हरीश मिश्रा, कमल किशोर शर्मा, चंद्रभान सिंह, अरविंद सिंह, रमेश अर्गन ने ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया। नगर परिषद कार्यालय इंद्रगढ़ की ओर से सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। संदेश वाचन करते हुए सरकार की जनहितेशी योजनाओं और विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया। सेवानिवृत्त सैनिकों को शौर्य श्रीफल देकर सम्मानित किया। नगर पुलिस को बेहतर सेवा के लिए उप निरीक्षक अमित ओसारे और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना काल में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन करने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीर सिंह खरे के साथ अन्य नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को बेहतर सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया। नगर परिषद कार्यालय को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। सभी को मास्क पहनने की अपील की गई। झंडा वंदन कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीएम दातरे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वीर रामस्वरूप मंडेलिया, पार्षद शिवभान सिंह टिंकू और साथ ही जोरान राकेश राठौर, लक्ष्मीकांत खरे, शोभा राम कुशवाहा, उप यंत्री नंदी किशोर गोस्वामी, नीरज छारी, हरेंद्र श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम दरुगा, पत्रकार शिव रमन सिंह राठौर, प्रदीप नाहर, सुरेंद्र श्रीवास्तव आदि नगर के मुख्य रूप लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। महामारी की संभावित चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था। दो वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की थी। उन्होंने दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया। यह उनके उसी समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व एवं प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिनांक 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ। अब तक पूरे देश में टीके के 162 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। यह प्रधानमंत्री जी का असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुक्त तुरंत वैक्सीन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों से मात्र 2% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था पड़ रही है।